हमा गणी हजूर आर घेवर बनाने में हमारा साथ देंगे मिस्टर स्मिथ राज रघुवंशी। ये डिफरेंट चश्मा देख के आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन टीजर की लड़ाई में कौन जीता। चलो आज हम देखें कि जब एक बेकरी शेफ घेवर बनावे तो के होवे। सबसे पहले तो हमें ये सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें घी है, मैदा है, दूध है, चीनी है। सबसे पहले घी को एक बाउल में डाल लेना है और फिर उसे आइस क्यूब के साथ अच्छे से रब करना है। एक तरह से क्रीमिंग हो जाएगी ये, जब तक कि घी का जो कलर है वो वाइटिश ना हो जाए पूरी तरह से, मतलब तब तक उसे रब करना है। देखिए बिल्कुल ऐसे। अब इसमें मैदा डालना स्टार्ट करना है, बट हाफ हाफ करके डालेंगे, दो बार करके, और इसको अच्छे से मिक्स करना है घी के साथ। जैसे ही सारा मैदा जो है वो मिक्स हो जाएगा उसमें पानी और थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसे लम्स फ्री मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, गाढ़ा नहीं रहेगा, मीडियम सा रहेगा, और इसे विस्कर से या किसी स्पून से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना रहें। चलो अब मिक्सचर को रखेंगे फ्रिज में और एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और उसे गैस पे चढ़ा देना है। तब तक हम कुछ बातें करेंगे। मैं राजस्थान में कुछ देर रहा था इन जयपुर, बट यू वॉन्ट बिलीव के जितनी देर मैं राजस्थान में रहा मैंने घेवर कभी खाया ही नहीं। आई नेवर टेस्टेड देयर। घेवर जो है इसके साथ जो मेरा रिश्ता है, जो मेरा प्यार है, वो यहीं पे बना था मेरे होम टाउन में पंजाब में। मगर जब से मैंने घेवर खाया है तब से एक की जगह दो हो गई हैं अब ये डिश। हर मानसून के सीज़न में मैंने मालपुए और घेवर खाने ही खाने। अब अपनी सीट बेल्ट कस के बांध ले, वी आर एंटरिंग इनटू टर्बो मोड। जैसे तेल गर्म हो जाए हम थोड़ा थोड़ा करके जो मिक्सचर है उसमें डालना शुरू करेंगे। घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, हाई फ्लेम पे करने से थोड़ा सा ये उबलेगा, बट इट्स ओके। ये पकने में काफ़ी टाइम ले लेता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से इसे पकाइए। जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसे बाहर निकाल लेना है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बेकरी शेफ है ना, ये किस दिन काम आएगा। अगर आपका भी घेवर जो है गोल नहीं बना है तो कोई टेंशन नहीं है। पहले शुगर सिरप बना लेते हैं, वाटर, शुगर और दो कार्डेमम्स, स्मॉल ग्रीन कार्डेमम्स। इसको बॉयल करना है। शुगर सिरप जब भी आप बनाएं तो एक बात का ध्यान रखना है कि उसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे गैस पे चढ़ाने के बाद अपने आप बॉयल होने दें। ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, हल्की हल्की चिपकनी चाहिए ताकि ये घेवर के साथ भी अच्छे से चिपक जाए। अब जो आपका घेवर है उसके ऊपर शुगर सिरप पोर कर देना है और उसे फ्रिज में रख देना। थोड़ी सी मलाई लेनी है, उसको रिड्यूस करना है अच्छे से, जैसे खोया निकालते हैं ना रिड्यूस करते हैं वैसे। जब तकरीबन 70-80% मलाई रिड्यूस हो जाए फिर उसमें 1-1.5 टेबल स्पून चीनी डालनी है। थोड़ा सा मीठा करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने शुगर सिरप भी उसमें डाल दिया। देखिए अगर आपका घेवर गोल ना बने तो ऐसे आप ट्रायंगल काट सकते हैं। और इसके अलावा एक काम हम और करेंगे, एक बाउल लीजिए, जितना आपका घेवर है सारा उसमें डाल दीजिए और उसके ऊपर जो हमने मलाई मिक्सचर बनाया है वो पोर कर देना है। फिर थोड़े से नट,
कुछ एक मिंट लीव्स और हो गया। क्यों बन गई ना बात? ओके जी, नाउ साइनिंग ऑफ। आप सबको बहुत सारा प्यार, थैंक यू।